चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी भी एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का 17 जनवरी को उसका एग्जाम रिव्यू देखेंगे। इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आए थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल है, उस पर क्लिक कर दें जिससे इन फ्यूचर आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और रिव्यू के बाद हम जो है हमारे पास कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए गए थे। प्रॉफिट लॉस से, SICI से, मेंसुरेशन, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड एज, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, DI, डेटा सफिशिएंसी, इनसे क्वेश्चन कवर किए गए थे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इन फ्यूचर मदद मिल सके, ठीक है। सेकंड, जनरल इंटेलिजेंस में देखिए, रीजनिंग में लॉजिकल स्टेटमेंट 6 क्वेश्चन आए थे, सिलॉजियम से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। अल्फाबेटिकल कोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। ऑड वन आउट से 2 है, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन के नियर अबाउट थे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस से एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री से 4 से 5 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से थे और मिसलेनियस थे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, क्लाइमेट चेंज समिट 2015 वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था ये? तो ये जो है आप जानते हैं पेरिस में हुआ था, फ्रांस के अंदर, ठीक है। इसकी जो डेट थी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच में हुआ था, ठीक है, सॉरी 2015। और इसका स्लोगन क्या था? स्टेट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बाइला देवी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। देखिए, जो बॉम्बाइला देवी थी वो रियो ओलंपिक में गई थी, किस गेम के थ्रू? आर्चरी। ये आर्चरी से एसोसिएटेड है और ये कहाँ की है? इनका नेटिव प्लेस जो है मणिपुर है और इनको इनका निक नेम क्या है? बॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग? CEO ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज द CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव कोस्ट, मतलब कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है समुद्र के किनारे बसे हुए हैं? तो टोटल 9 स्टेट हैं एंड 4 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। 9 स्टेट आपके कौन कौन से हैं? पहला गुजरात है, सेकंड आपका महाराष्ट्र, थर्ड वन गोवा, फोर्थ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की, ठीक है। नंबर वन पे इसकी कोस्ट लाइन है 1214.7 किलोमीटर। और सेकंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 973.7 किलोमीटर, ठीक है। एंड फोर यूनियन टेरिटरी कौन है? देखिए, यूनियन टेरिटरी में 2 जो है मेन लैंड पे हैं आपके, एंड 2 जो है कहाँ पे हैं? आइसलैंड, ठीक है। मेन लैंड में कौन कौन सा है? पुंडुचेरी और दमन एंड दीव, ठीक है। कौन कौन से?
पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव, ठीक है, ये आपका कहाँ पे आए, मेनलैंड पे। और आइसलैंड में कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड सेकेंड वन ये तो आप लोग जानते होंगे, लक्षद्वीप। तो टोटल कितने हो गए, 9 स्टेन एंड 4 यूटी, टोटल 13 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन नेगेटिव कंट्री डिक्लेयर्ड, देखिए कार्बन नेगेटिव कंट्री केवल एक देश है, उसका क्या नाम है, हमारे बगल में ही, जस्ट बगल में क्या है, भूटान। भूटान को ये कार्बन नेगेटिव कंट्री डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। 8th BRICS समिट वाज हेल्ड एट, 8th BRICS समिट कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे हुआ था, गोवा, ठीक है। कब हुआ था, 15-16 अक्टूबर 2016, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था, बिल्डिंग बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है। एंड कलेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है, इंडिया में गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 में हुआ था, और इसका जो वो था वो बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन। अजंता केव सिचुएटेड है, अजंता केव आपका कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद पड़ता है, और उसे किसने बनवाया था, ये गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया था, गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार आर्ट डेवलप्ड इन विच एरा, देखिए गांधार आर्ट जो है 1st सेंचुरी, 1st सेंचुरी BCE से 7th सेंचुरी BCE के बीच में डेवलप किया गया था। और ये जो है कुषाण डेंसिटी के अंदर डेवलप किया गया था, कुषाण डायनेस्टी। राजा कौन था, किंग कनिष्का, कनिष्का थे। अब ये भी कह सकते हैं कि इसका जो शख्स शख्स एंड कुशांस वर पार्टनर थे इसमें, कुशांस वर पार्टनर, ठीक है। और इस गांधार आर्ट में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया था। तो क्या है, देखिए गांधार आर्ट डेवलप्ड इन विच एरा, 1st सेंचुरी BCE, कुषाण डेंसिटी, किंग वाज कनिष्का, और शख्स और कुषाण स्वर पार्टनर थे, और बुद्धा को इन ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया था। ओके क्वेश्चन देखिए, 12th आइस स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका गुलमर्ग कश्मीर में हुआ था, 12th आइस स्केटिंग चैंपियनशिप गुलमर्ग कश्मीर में, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट 1+30, टोटल कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, समय 31, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज फोर्स फोर्स इन विच ईयर, देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था, भोपाल ट्रेजेडी के बाद, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देखिए ये एसएससी सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आया था, उसमें और रिव्यू में मैंने पूरा समझाया है उसके अंदर कि कितने एटमॉस्फेयर होते हैं, क्या होते हैं, कैसे। यहाँ पे इसका आंसर होगा आयन मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल जो है ताप मंडल का निचला हिस्सा है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉम्सन,
जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1987 में, ठीक है। रेलवे मास्कॉट कौन है? भोलू। भोलू एक हाथी है, ये देखिए ये है, ये भोलू है, ये रेलवे का मास्कॉट है, ठीक है। हु पेंटेड द पेंटिंग भारत माता? भारत माता का पेंटिंग किसने पेंट किया था? अविंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइसलैंड? इज 36 आइसलैंड का एक ग्रुप है लक्षद्वीप। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? बेसिकली देखिए 1927 में साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन ग्रुप अपॉइंटेड इन नवंबर 1927, ठीक है, बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्टेनली बॉल्डविन, लेकिन इंडिया में स्कीम 1928 फेब में, ठीक है। वेयर इज नंदा देवी पीक सिचुएटेड? तो ये जो उत्तराखंड में है। मैसेंजर लेफ्ट फ्रॉम विस सोलर स्टेशन? दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।